हेलो दोस्तों, हम आज की वीडियो में देखेंगे कि अपने फोटो को डिजिटल कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपने हमारा स्मार्ट टच चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है फोटो लेयर। ये पहले वाला एप्लीकेशन है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, इसकी रेटिंग 4.4 की, यानी कि बहुत ही अच्छी है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये नीचे दिया है लोड बैकग्राउंड इमेज, हम कोई भी पीछे की इमेज यहाँ पे लोड करते हैं। मैंने एक वॉलपेपर लेता हूँ मैं, पीछे का ये वाला लेता हूँ, यहाँ पे डन करता हूँ। ऐड फोटो लेने के बाद मैं एक तस्वीर लेता हूँ गैलरी से, इसे डन करता हूँ। और ये इसे कट करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट है, इसे छोटा बड़ा करने का, कट करने के लिए मैं मीडियम रखता हूँ। इमेज को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, एक साइड से इसे कट करता हूँ दोस्तों। चलिए मैं इसे कट कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसा कट करने का, और ये सभी भी पीछे का सब कट कर देने का। ये दोस्तों मैं इसको कट कर रहा हूँ, अब थोड़ा रहा है कट करने का, इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये सब पीछे का बैकग्राउंड कट कर देने का। ये दोस्तों अब थोड़ा रहा है कट करने का, अब ये कट करेंगे हम। जैसे ही कट करेंगे ये आपने ये कट होगा है, इसे हम पीछे करेंगे थोड़ा ऐसा, इस तरह से थोड़ा रहा है हमारा कट करने का। चलिए हो गया पूरा कट। कट करने के बाद दोस्तों ऊपर डन का बटन दबाने का। डन करने के बाद ये ऐसी तस्वीर आएगी, और फिर एक बार डन करने का, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। इस पे हम इमेज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये जहाँ जिस साइड में लगाने का उस साइड में लगाएंगे। मैं इस साइड में लगाता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, फिर सेव के बटन को दबाने का। ये हमारी इमेज अपने मोबाइल में सेव हो रही है। अगर आपको दोस्त